हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है। नंबर वन, पावर स्ट्रोक पर सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, एंड फोर स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक पर टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। इस इंजन में जब हमारा पिस्टन मूव करता है तो उसमें हमारे क्रैंकशाफ्ट मूव करती है। तो इस इंजन में हर एक राउंड पर फ्यूल बर्न होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हर टू राउंड पर एक बार फ्यूल बर्न होता है। इसलिए नंबर दो पॉइंट, लेस फ्यूल एफिशिएंसी और एंड फोर स्ट्रोक में मोर फ्यूल एफिशिएंसी। टू स्ट्रोक इंजन में एफिशिएंसी कम होती है और फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नंबर तीन पॉइंट, लेस थर्मल एफिशिएंसी एंड फोर स्ट्रोक इंजन में मोर थर्मल एफिशिएंसी। टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नंबर फोर पॉइंट, टू स्ट्रोक इंजन में एयर प्लस फ्यूल प्लस ऑयल तीनों बर्न होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में एयर प्लस फ्यूल दोनों दो चीज़ बर्न होती है। डिज़ाइन ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन का डिज़ाइन इस तरीके से होता है और फोर स्ट्रोक इंजन का डिज़ाइन इस तरीके से होता है, जिसमें वाल्व होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में एडिशनल ट्रांसफ़र पोर्ट लगा होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में एडिशनल ट्रांसफ़र पोर्ट नहीं लगा होता। नंबर सिक्स पॉइंट, मोर नॉइस एंड फोर स्ट्रोक इंजन में लेस नॉइस। इसमें ज़्यादा नॉइस होती है और इसमें फोर स्ट्रोक इंजन में कम नॉइस होती है। नंबर सेवन पॉइंट, लेस हीट प्रोड्यूस्ड एंड फोर स्ट्रोक इंजन में मोर हीट प्रोड्यूस्ड। टू स्ट्रोक इंजन कम हीट प्रोड्यूस करता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसमें एयर से हीट को कंट्रोल किया जाता है और इसमें एयर प्लस वाटर से कूलिंग की जाती है। नंबर एट पॉइंट, लेस फ्रिक्शन एंड फोर स्ट्रोक इंजन में मोर फ्रिक्शन। टू स्ट्रोक इंजन में कम फ्रिक्शन होता है और फोर स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। नंबर नाइन पॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम एंड फोर स्ट्रोक इंजन में सिंपल लुब्रिकेशन सिस्टम। टू स्ट्रोक इंजन में एडिशनल ट्रांसफर पोर्ट लगा होता है, जिससे इसका लुब्रिकेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में एडिशनल ट्रांसफर पोर्ट नहीं लगा होता, जिससे इसका लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल होता है। नंबर टेन पॉइंट, यह ज़्यादा प्रदूषण करता है और यह प्रदूषण कम करता है, जिसके कारण फोर स्ट्रोक इंजन आजकल हर जगह चल रहे हैं और टू स्ट्रोक इंजन लगभग बंद हो चुके हैं। नंबर एलेवन पॉइंट, यह ज़्यादा लुब्रिकेशन लेता है और यह कम लुब्रिकेशन लेता है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।